हेलो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्स मना तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यार दसवीं जमात का पेपर आ गया है दसवीं का इंग्लिश का पेपर है तो सबसे पहले आपका अस्सी नंबर का पेपर होने वाला है ठीक है तो सबसे पहले आपको पैसेज आएगा दो दस मार्क्स का पाँच मार्क्स का पैसेज है ठीक है पैसेज इसमें आपको एम आ जाएंगे ब्लैंक्स आ जाएंगे और ये आ जाएंगे ठीक है इसके बाद सेक्शन बी में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ठीक है जी फाइव मार्क्स के ये पैराग्राफ जैसा है इसमें से ढूंढ के आंसर लिखने हमने ठीक है तो जल्दी से यार सभी ने इसको कर लेना है यार ये देखो बस पिक्चर में से देख के इसमें ढूंढना है क्या है क्या कह रहा है ठीक है उसके बाद सेक्शन बी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ठीक है तो ये आठ मार्क्स के हैं तो यार हर एक लेसन से आने वाले एक एक मान लो ठीक है और सेक्शन सी में आपको मेन कोर्स बुक से आएगा जी ठीक है ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ठीक है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया तीन मार्क्स वाले ठीक है इसके बाद पोइट्री में से आ जाएगा आपका स्टैंजा आ जाएगा स्टैंजा के बाद आ जाएगा आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री है वो आ जाएगा ठीक है जल्दी से यार सभी ने वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ये क्वेश्चन आ जाएंगे कुछ ठीक है इसके बाद वोबलरी आ जाएगी चार मार्क्स की वोकेबलरी है इसके बाद सेक्शन ई में आपको ग्रामर ट्रांसलेशन कॉम्पोजिशन आएगा ठीक है ये सारा बहुत ही आसान होने वाला घबराना नहीं है दोस्तों यार उसके बाद दस मार्क्स का आपका डू है डायरेक्ट जिसमें कि सुटेबल मॉडल सुटेबल जक्सन सेंटेंस नॉन फिनटिव सेंटेंस नरेशन टेंस वगैरह सब कुछ आपको आने वाला है इसके बाद आपको ये नोटिस आ जाएगा और ये किया आ जाएगा ठीक है इसके बाद आपको एक पैराग्राफ आएगा दो उसमें से एक करना है ठीक है उसके बाद आप जल्दी से यार और आपको या लेटर आएगी दो लेटर में किसी एक करना है और सबसे फ्री का मार्क्स ये है कि आपको गुड हैंडिंग के फाइव मार्क्स फ्री में मिले तो चलो यार दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स